हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:16, टाइम दे रखा है 4:16। तो हमारा फॉर्मूला था 30H माइनस में 11M अपॉन 2। H का मतलब मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था आवर, M का मतलब मैंने आपको फिर मेंशन कर दिया था मिनट। तो H की जगह रखेंगे हम 4, M की जगह रखेंगे 16, सोल्व करेंगे 16 अपॉन 2। देखो 30 इंटू 4 माइनस 11 इंटू एम की जगह रखा 16 अपॉन में 2, कैंसिल हो रहा है 8 से, ठीक है। 34 जा 120, 30 चौक 120, 11 एट जा 88, 88 120 माइनस 88 यानी कि आंसर आएगा 32 डिग्री। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एंगल जो कि हमारा आंसर आया भी था हमने जब क्लॉक से सोल्व किया। अगर इसी का रिफ्लेक्स पूछ ले तो रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे, 360 माइनस में 32, 360 माइनस में 32 कर लेंगे सोल्व, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 360 माइनस में 32, 318। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम दे रखा है 8:20, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं करना। 30H माइनस 11M अपॉन 2, फॉर्मूला सेम है 30H माइनस 11M अपॉन 2। हमारे पास टाइप थी फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया था 30H माइनस 11 अपॉन 2। इसमें दो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है तो भी आप उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आंसर कंसिडर नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव लेना है। दूसरा इसमें पॉइंट हमारा ये है, अगर आपका आंसर 180 या 180 से बढ़ा जाता है तो आप उसमें से 360 क्या कर देंगे, माइनस। अब इसमें H की जगह हम रखेंगे 8, M की जगह रखेंगे 20, आंसर आएगा 38 जब 240, 38 240, 11 10 जब 110, 240 में 110 माइनस करेंगे तो 130 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, इसी टाइप का, टाइम है 8:25, यहाँ पे पॉइंट ऑफ आंसर आएगा क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। फॉर्मूला सेम है 30H माइनस 11M अपॉन 2, एच की जगह रखेंगे हम 8 रख दिया, एम की जगह 25 अपॉन में 2, 38 240, 38 जा 240, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 अपॉन 2। दो लघुत्तम ले लीजिए या पूरा पूरा यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो 13, अगर आप 275 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो 137.5 आ जाएगा। वो आपको देखना है कि आपको पूरा करना है एलसीएम, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, 2 से एलसीएम आएगा 2, नीचे 1 है, 1 के पाड़े में 2 कितने पर आता है, 2 पे, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस में 275 अपॉन 2, माइनस करेंगे 205 बटे में 2 यानी कि 102.5, ठीक है। इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 275.5। फिर रिपीट कर लेता हूँ मैं, फिर देख लेता हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक, मैंने कहा टाइप है एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड, मैंने आपको क्लॉक से बताया, क्लॉक से हमें याद नहीं करना, मेन हमें ये याद रखना है। फिर भी क्लॉक मैंने इसलिए बताया, कोई अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाता है यानी अप टू कैट लेवल, कैट में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पर 12 आवर क्लॉक की जगह कई बार 24 आवर क्लॉक बना देता है। 24 आवर क्लॉक मतलब हमारे इंडिया में घड़ी में सिर्फ 12 अक्षर होते हैं, उसी घड़ी को 12 की जगह 24 अक्षर में चेंज कर दे तो फिर हमारा फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। फिर हमें बेसिक जो मैं बता रहा हूँ आपको वहीं से कर निकालना पड़ेगा उसी तरीके से। अब क्वेश्चन था 30H माइनस 11M अपॉन 2 एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, इसमें मैंने आपको दो बात बताई थी, पहली आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर कंसिडर करना है, दूसरी मैंने बताई थी अगर आपका आंसर 180 या 180 से बड़ा आ जाए तो उसको आप 360 में से माइनस कर देना, 180 या 180 से बड़ा आ जाए तो उसको आप 360 में से माइनस कर देना। ओके, ध्यान रखना अगर रिफ्लेक्स पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 180 से बड़ा, नॉर्मल पूछे तो आंसर होना चाहिए 180 से छोटा। इनमें अगर कुछ भी हेर फेर हो, नॉर्मल एंगल 180 से छोटा, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा,
इनमें अगर कुछ भी हेरफेर हो तो आप 360 में से माइनस कर देना। गुड बाय फॉर नेक्स्ट टिल नेक्स्ट क्लास।